नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम चर्चा करेंगे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होने वाला है उसके बारे में। दोस्तों पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यहां से दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना और यहां बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम टीम न्यूज़। सबसे पहले टीम न्यूज़ के बारे में बात करें तो यहाँ से दोनों टीमों में दोस्तों ज़्यादा कुछ चेंजेस आपने को देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि पाकिस्तान तो शायद अनचेंज स्क्वाड के साथ जाए, क्योंकि जैसा कि उन्होंने प्रत्येक मैच इन्हें करो या मरो की स्थिति का है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा चेंजेस पाकिस्तान करेगी नहीं, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस कराई लगातार दोनों ही बड़ी टीमों से मैच जीत के दिए। वहीं अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो आफ्ताब आलम आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आफ्ताब आलम दोस्तों वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट हो गए। इनकी जगह दोस्तों सैयद सिरजात को टीम में ऐड कर दिया गया। तो कल के मैच आपके लिए आफ्ताब आलम खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। चलिए ग्राउंड स्टेटस देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर, जो मैच होना है वो लीड्स में होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 226, लेकिन मेरा अनुमान है यदि पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है 270 प्लस इसका स्कोर यहाँ से देखने को मिल जाएगा आपके लिए। भाई बात करें सेकेंड इनिंग स्कोर दोस्तों तो 207 रन रहा। हाईएस्ट टोटल के बारे में बात करें तो 351 रन रहा है। वहीं लोएस्ट टोटल के बारे में बात करें 93 रन मात्र रहा है। चलिए बात करें दोस्तों हाईएस्ट चेस के बारे में तो आप यहाँ देख सकते हो 324 रन यहाँ से चेस हुए। लोएस्ट डिफेंड भी दोस्तों काफ़ी कम स्कोर डिफेंड हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो 165 रन यहाँ से डिफेंड हुए। हेड टू हेड के बारे में बात करें, हेड टू हेड दोनों टीमों के बीच केवल 3 मैच खेल गए हैं। इन मैच तीनों पाकिस्तान ने जीते और अफगानिस्तान ने कोई मैच नहीं जीता। लेकिन आप एक बात गौर करिएगा, जो मैच यहाँ से इन दोनों के बीच वार्म अप मैच हुआ था वो अफगानिस्तान ने बड़े कंफर्टेबल तरीके से जीत के दिया था। तो शायद इस मैच में कोई आपके लिए ओवरऑल फिर देखने को मिल जाए, लेकिन ज़्यादा चांस दोस्तों यहाँ से मैं बता दूँ 70 और 30 के हैं। 70% पाकिस्तान जीतेगी और 30% दोस्तों यहाँ से आपके लिए अफगानिस्तान मैच जीत के दे सकती है। यदि पाकिस्तान मैच हारती है तो इनके वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ से अफगानिस्तान का सफर खत्म हो गया है। चलिए हम अब प्लेयर बैटल और प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ से देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो फखर जमान 19 रन, 44 रन, 62 रन, मतलब इन्हें स्टार्ट मिला है, इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन शानदार बल्लेबाज हैं, अटैकिंग बल्लेबाज हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। भाई इमाम उल हक के बारे में बात करें तो 9 रन दोस्तों पिछले मैच बनाए थे, उससे पहले 44 रन बनाए थे दोस्तों, उससे पहले 7 रन, 53 रन, 44 रन, मतलब कंसिस्टेंसी रही है। जो इनका दोस्तों स्टार्टर मिला है उसमें कंसिस्टेंसी रही है। जैसा कि मैंने बताया कि बाबर आजम इनकी टीम के इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। 101 रन, 69 रन, 48 रन, मतलब हर एक मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। हाफिज ने दोस्तों टूर्नामेंट की शुरुआत काफ़ी अच्छे तरीके से की थी, लेकिन उस शुरुआत को ये बना के नहीं रख पाए, लेकिन आपके लिए बल्लेबाज शानदार हैं तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं अहमद दोस्तों अपने आप को लगातार नीचे बल्लेबाजी के लिए डिमोट कर रहे हैं। वहीं हैरिस सुहेल के बारे में बात करें दोस्तों, जब से इन्होंने कमबैक किया है, पहला मैच खिलाया गया था उसके बाद इन्हें बैठा दिया गया था, लेकिन दोस्तों जैसे ही सेकंड लास्ट मैच से कमबैक किया है तो आके 89 बनाया, उसके तुरंत बाद 68 बनाए दोस्तों। लास्ट मैच में रनआउट हुए थे लेकिन बल्लेबाजी शानदार कर रहे थे। भाई सदाब खान के बारे में बात करें, लगातार विकेट निकाल के दे रहे हैं। लास्ट मैच में इन्होंने 1 विकेट निकाला, वहीं उससे पहले 3 विकेट निकाले, उससे पहले कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले 2 विकेट मिले, तो ये भी अच्छे परफॉर्मेंस इन्होंने वापसी की। इमाद वसीम को लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला था। वहीं शाहीन अफरीदी को लास्ट मैच में 3 विकेट मिले, उससे पहले 1 विकेट मिला, उससे पहले दोस्तों 2 विकेट, लेकिन जो वापसी हुई थी दोस्तों इससे पहले इन्हें खिलाया नहीं गया। तो भाई भाबरे आज अच्छी गेंदबाजी करके दे रहे हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों। लास्ट मैच में इन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। भाई मोहम्मद आमिर को 1 विकेट लास्ट मैच में मिला था। चलिए अब अफगानिस्तान की ओर से बात करते हैं। सबसे पहले गुलबादीन नायब जो कि टीम के कैप्टन है और ओपनर भी है दोस्तों, और गेंदबाजी भी करके दे रहे हैं, लगातार आपके लिए 2 विकेट निकाल के दे रहे हैं। लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले, उससे पहले इंडिया के खिलाफ 2 विकेट निकाले। लास्ट मैच में उन्होंने 47 रन का स्कोर किया, इंडिया के खिलाफ 27 का स्कोर किया, उससे पहले 35 रन, 3 विकेट, मतलब आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। भाई समीमुल्ला सेनबारी के बारे में बात करें तो आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से टीम हजरतुल्ला जजई को शायद मौका ना दे। तो 49 रन, 22 रन, लास्ट मैच में 49 रन की अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेल के दी थी। उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ से 10 रन, 22 रन। वहीं रहमत शाह के बारे में बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो रहमत शाह को भी, रहमत शाह ने दोस्तों लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिया था दोस्तों, लेकिन उससे पहले अच्छा परफॉर्मेंस करके इन्होंने दिया था। वहीं हजरतुल्ला सईदिया को आप देख सकते हो 11 रन, मतलब इनको दोस्तों स्टार मिला ज़्यादा, जैसा इन्होंने प्रैक्टिस मैच में परफॉर्मेंस किया था दोस्तों और अन्य टूर्नामेंट स्टेज पर परफॉर्मेंस करती थी, ऐसा परफॉर्मेंस ये टीम नहीं कर पाई दोस्तों। इनकी टीम की स्थिति कुछ साउथ अफ्रीका टीम जैसी हो गई है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन की टीम। उससे पहले दोस्तों यदि अभी तक आपने क्रिक डॉल पर खेलना चालू नहीं किया तो क्रिक डॉल पर खेलना चालू कर दीजिएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, काफ़ी शानदार है, फिर आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। इसके क्या क्या बेनिफिट मैंने जैसा कि बताया आपके लिए, सबसे कम कंपटीशन दोस्तों, कंपटीशन काफ़ी कम है, आप यहाँ से देख सकते हो 58 रुपये में 750 जीत सकते हो, मात्र 123
23 लोगों को पीछे करके, जबकि ड्रीम इलेवन में 750 जीतने के लिए दोस्तों कम से कम, कुछ नहीं तो आपके लिए कम से कम 7 से 8 लाख, जी हाँ दोस्तों 7-8 लाख यहाँ दोस्तों पीछे करने पड़ेंगे। वहीं बात करें दोस्तों और आपके लिए कैडेट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे खास बात इस ऐप के लिए एप्लीकेशन की, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ से आपके लिए कुल 8 प्लेयर खिलाना है, इनमें से 1 विकेटकीपर दोस्तों, यहाँ से 3 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 2 यहाँ से बॉलर, तो मतलब 8 प्लेयर खिलाना है, तो आपके लिए काफ़ी शानदार ऐप हो जाता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो मैं यहाँ सरफराज अहमद को टीम में ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि इकराम अली खेलते हुए इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। लास्ट मैच में इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की पहली बाउंड्री लगाई थी, एक चौका लगाया था, मैं तो सरफराज अहमद को टीम में ट्राई करूँगा। यहाँ दोस्तों विदाउट हेजिटेशन मैं बाबर आजम को टीम में ट्राई करूँगा। आप चाहो तो फखर जमान और रहमत शाह भी अच्छा ऑप्शन, रहमत शाह आपके लिए 1-2 ओवर फेंक के दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बाबर आजम को टीम में ट्राई करूँगा। सेकंड बल्लेबाज के बारे में बात करें, हैरिस सेल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, हजमतुल्ला सईदी हैं, इमाम उल्ला के दोस्तों, तो आप इन दोनों को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। तो मैं यहाँ से हैरिस सोहेल या इमाम उल्ला में से किसी को ट्राई करूँगा, मैं यहाँ से इमाम उल्ला को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, हालांकि हैरिस सोहेल आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से थर्ड बल्लेबाज के बारे में, तो यहाँ से नजीबुल्ला जारदान अच्छा ऑप्शन है, हजरतुल्ला जारदान खेलती हुई नज़र नहीं आएंगे, खेलती हुई नज़र नहीं आएंगे, ये दोनों ही बचते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब सबसे सेफ ऑप्शन जारदान ही बचते हैं। चलिए बात करें दोस्तों फर्स्ट ऑलराउंडर की, गुलबदीन नायब है, मोहम्मद नबी है, मोहम्मद हफीज़ है और राशिद खान है। राशिद खान को तो बेवजह ऑलराउंडर सेक्शन में रख दिया, ऐसा अभी इन्होंने कुछ किया नहीं, तो आप इनमें से किसी को टीम में ट्राई कर सकते हो, चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। मैं यहाँ से नायब को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड ऑलराउंडर की, इमाद बसीम है दोस्तों, समीमुल्ला सेनवारी, शुएब मलिक और शादाब खान, तो यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन दोस्तों आपके लिए यहाँ से हो जाता है इमाद बसीम और शादाब खान में से, आप इन दोनों में से किसी को टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों। मैं यहाँ से शादाब खान को टीम में ट्राई करूँगा, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। यहाँ दोस्तों मुजीबुर रहमान, मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी और दोस्तों यहाँ से मोहम्मद हसन, तो यहाँ से मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन आमिर है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, अच्छी गेंदबाजी करके लगातार दे रहा है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ सेकंड बॉलर के बारे में, दौलत जारदान, वहाब रियाज, आफ्ताब आलम दोस्तों, मैंने आप यहाँ से देख, यदि आपने नोटिस किया तो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेबल ज़्यादा टीम है, तो यहाँ से मैं वहाब रियाज को टीम में ट्राई करूँगा, आप कैप्टन वाइस कैप्टन ही, तो बाबर आजम मेरे विदाउट हेजिटेशन कैप्टन रहने वाले हैं, फिर गुलबदीन नायब को मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा। आप इसमें दोस्तों आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के बारे में आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से ग्रैंड लीग के बारे में मैं आपके लिए ऑप्शन बता चुका हूँ, काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। वहीं आपके लिए मैं यहाँ से स्मॉल लीग में भी काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई सा भी ट्राई कर सकते हो, जबकि हेड टू हेड में भी आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो। चलिए तैयार कर लेते हमारे ड्रीम इलेवन की टीम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन, विकेट कीपिंग सेक्शन बात करें तो सरफराज अहमद जो कि नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, वहीं इकराम अली खिलाफ के लगभग 7-8 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, और इन्हें लेने के मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई मतलब है भी नहीं, तो मैं यहाँ से दोस्तों सरफराज अहमद के साथ जा रहा हूँ। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से दोस्तों बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की दोस्तों, लेकिन उससे पहले यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं यहाँ से बाबर आजम आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, उसके अलावा हजमतुल्ला सईदी आपके लिए फर्स्ट डाउन पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे और अच्छा ऑप्शन है। भाई इमाम उल्हक आपके लिए शानदार ऑप्शन है दोस्तों, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस ये भी करके दे रहे हैं। नजीबुल्ला जारदान दोस्तों आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो जाता है। भाई रहमत शाह के बारे में बात करें, ये भी शानदार ऑप्शन है, क्योंकि बल्लेबाजी करेंगे ओपन करेंगे और उसके अलावा 1-2 ओवर अपने कोटे के फेंकती हुई नजर आ सकते हैं। भाई फखर जमान दोस्तों जैसा कि मैंने बताया अटैकिंग बल्लेबाज है, और यदि दोस्तों इनके बल्ले पर बॉल आने लग गई तो ये आपके लिए कभी भी कितना भी बड़ा स्कोर करके दे सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से पहले बल्लेबाज हैं, इन्होंने दोस्तों 200 रन का स्कोर किया है। वहीं और ऑप्शंस के बारे में बात करें तो आपके लिए यहाँ से हैरिस सोहेल शानदार ऑप्शन हो जाता है, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ से दोस्तों देख लेते हैं आप किस किस को ट्राई करने वाला हूँ, मैं यहाँ से बाबर आजम, इमाम उल्हक और दोस्तों मैं यहाँ से रहमत शाह को टीम में ट्राई करूँगा। आप चाहो तो सईदी को भी टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन दोस्तों सईदी आपके लिए गेंदबाजी करके नहीं देंगे, इनके साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आपके लिए गेंदबाजी करके दे देंगे, उसके अलावा बल्लेबाजी में आपके लिए ओपन करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा मेरे हिसाब से यही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ से और ऑप्शंस की, तो मैं यहाँ से हैरिस सोहेल को टीम में ट्राई करूँगा। चलिए बात करते हैं यहाँ दोस्तों ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, ऑलराउंड डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों यहाँ से गुलबदीन नायब शानदार ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बताया ओपन करने के लिए आएंगे, अपने कोटे के पूरे 10 ओवर करेंगे और कुछ ओवर अपने डेथ ओवर्स में भी फेंकेंगे। भाई बात करें मोहम्मद नबी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद हफीज़ भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, ये शायद पूरी गेंदबाजी न करें लेकिन आपके लिए 3 से 4 ओवर फेंकते हुए नज़र जरूर आ जाएंगे, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। मलिक आपके लिए खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे और इमाद बसीम और समीमुल्ला सेनवारी भी आपके लिए खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, वो दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करना है, स्मॉल लीग की टीम में हम ट्राई नहीं करेंगे। ग्रैंड लीग की टीम में आपके लिए दोनों ही दोस्तों मैच विनिंग ऑप्शन भी हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपके लिए, वहाँ से मैं ग्रैंड लीग की 2 से 3 टीमें और उपलब्ध कराता
आता हूँ, तो फिलहाल की स्थिति में इन तीनों को ही टीम में ट्राई करूंगा अपनी स्मॉल लीग की में। अब चलिए बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट की। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ से ऑप्शंस देख लीजिएगा। यहाँ से मोहम्मद आबिर आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। राशिद खान दोस्तों इतना अच्छा कंफर्टेबल अभी तक तो पूरे वर्ल्ड कप में नहीं देखा, और लास्ट के कुछ मैचों से इन्हें इतने विकेट भी नहीं मिले। भाई भाबरे आज आपके लिए शानदार ऑप्शन होता है, लगातार आप विकेट निकाल के दे रहे हैं दोस्तों, और कभी कभी बल्ला भी लपेटा चला लेता है। भाई दौलत जारदान के बारे में दोस्तों आपके लिए बता दूं कि आप लगभग एक एक एकाधिकाध विकेट एक मैच में निकाल रहे हैं। भाई अफ्ताहपाल हम तो रूल आउट हो गए हैं, तो ये खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। मुजीबुर रहमान आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, आप इन्हें जरूर टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नज़र आ जाएंगे और शुरुआत में ही विकेट निकाल के देते हैं। उसके अलावा दोस्तों और ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ से आपके लिए हसन अली खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। सदाब खाना है आपके लिए अच्छे ऑप्शन है, भाई हसन आपके लिए खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, क्योंकि आफ्ताब आलम नहीं है, तो यहाँ से इन दोनों में से कोई खेलते हुए नज़र आ जाएगा, सैयद शिरजाद या हसन में से। तो देख लेते हैं मैं किन किन को टीम में ट्राई करने वाला हूँ। मैं यहाँ से मोहम्मद आमिर को टीम में ट्राई करूँगा, और दोस्तों मैं यहाँ से बाबर आजम को टीम में ट्राई करूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ से पाकिस्तान के लगभग 7 प्लेयर लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान थोड़ी फेवरेट टीम लग रही है। इस वजह से दोस्तों आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। यदि आप बाबर आजम को लेना नहीं चाहते, मुजीबुर रहमान को लेना चाहते हो, बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ से दोस्तों अब मेरे पास 8 कैटेगरी बचे, 8 कैटेगरी में इन दोनों में से एक को ही खेलते हुए नजर आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा चांसेस हसन के हैं, इस वजह से मैं हसन को टीम में ट्राई कर रहा हूँ। चलिए बात करेंगे अब कैप्टन वाइस कैप्टन की। दोस्तों उससे पहले यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए 2 से 3 टीमें वहीं प्रोवाइड कराऊंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की। उसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की। सबसे पहले स्मॉल लीग के देख लें तो बाबर आजम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। भाई दोस्तों यहाँ से सेकंड ऑप्शन गुलबदीन नायब हो जाता है। स्मॉल लीग में दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पूरे 10 ओवर फेंकेगा और ओपन करने के लिए आएगा। आप थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ से इमाम उल्लाह आपके लिए थर्ड ऑप्शन यहाँ से हो जाते हैं। स्मॉल लीग के लिए ये तीनों ऑप्शन शानदार हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से दोस्तों ग्रैंड लीग की। ग्रैंड लीग के बारे में बात करें तो नबी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, और एक और सबसे हटके ऑप्शन बताऊं दोस्तों तो यहाँ से आमिर आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट आर्मर है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया मैं ज़्यादा भरोसा लेफ्ट आर्मर गेंदबाज पर करता हूँ, जैसा कि आपके लिए इस वर्ल्ड कप में पूरे में देखने को मिला है कि जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है दोस्तों आपके लिए ज़्यादा विकेट निकाल के दे रहे हैं। तो इस वजह से इन दोनों को भी टीम में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। यहाँ से मैं ग्रैंड लीग के ऑप्शन बता रहा था आपके लिए मोहम्मद आमिर, और यहाँ से मोहम्मद नबी आपके लिए दोनों ही शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों यदि और किसी को टीम में ट्राई करना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में तो रहमत शाह को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। रहमत शाह दोस्तों यह एक मैंने बताया आपके लिए 3 से 4 ओवर फेंकते हुए नजर आ जाएंगे और ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। ये कुछ ऑप्शन थे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।